तो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे लवर और मैं आज की वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा कि आप वेटिंग टिकट हो तो अगर ट्रेन में तो आप एक ट्रिक लगा के उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं। मैंने पहले ही इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है पर वो ट्रिक वन थी, अब मैं ट्रिक टू बताऊंगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप आजमा के अपनी वेटिंग टिकट को कन्फर्म टिकट में ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ वीडियो बताना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि आप वीडियो पूरी ही देखना, इससे आपको तभी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक है क्या और कैसे आप वेटिंग टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। ये दूसरी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको वही करना है, अपना क्रोम खोलना है। क्रोम के अंदर IRCTC डाल लिए हैं। IRCTC के डालने के बाद आपको ओपन करनी है वो उनकी वेबसाइट रेलवे की। अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है तो चलिए हम चलते हैं नई दिल्ली से माता के दर्शन करने, वैष्णो देवी। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टेशन कहीं से भी ले रहा हूँ, आप कहीं के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें जाना है अगले महीने 23 तारीख को। ये बहुत सारी ट्रेनें आ गई, देखते हैं। वेटिंग आ रही है। तो चलिए वो ट्रिक जो है मैं अब आपको बताता हूँ। वो ट्रिक है जैसे हमें अब इस ट्रेन में जाना है, इसका नाम है मालवा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 12919। तो चलिए इसको देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसका शेड्यूल निकालते हैं। कब जाना था हमें, 27 तारीख को। ये आ गई येरी मालवा, देखते हैं ये नई दिल्ली से आपको ले जाएगी माता के दर्शन कराने। तो वो जो ट्रिक है वो है कि आपको जितने भी स्टेशन बीच में पड़ रहे हैं इनके बीच में से एक भी स्टेशन ले लेना जो बीच में पड़ता हो, बीच में जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है उसके बीच में पड़ता हो ना, उसके हिसाब से आप ले लेना। तो मैं लेता हूँ पठानकोट लेते हैं। चलिए डालते हैं। पठानकोट कैंट और वही तारीख, वही नई दिल्ली से पठानकोट। अब देखते हैं टिकट उसी ट्रेन में, मालवा एक्सप्रेस 12919। तो देखते हैं एबिलिटी। तो इसमें 13 टिकट दिखा रहा है, 13, पर हमें जाना है तो वैष्णो देवी और ये तो हम पठानकोट की चेक कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपने पठानकोट की टिकट ले ली यहाँ से उसी ट्रेन में और आपको अब सर्च करना है पठानकोट से माता कटरा की। फिर से सर्च करते हैं वही टाइम। अब ये ट्रेन वहाँ पठानकोट जा रही है, हमने हमारी ट्रेन की टिकट जो थी वो पठानकोट तक है। अब ये 12919 मालवा एक्सप्रेस वही ट्रेन है। अब एबिलिटी देखते हैं इसकी टिकट की। तो इसमें 4 टिकट अभी दिखा रहा है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी टिकट करी पठानकोट तक, फिर पठानकोट से भी हमने अपनी माता की टिकट कर ली। तो इसमें होगा कि आपका बस 10-20 रुपए का फ़र्क होएगा किराया में और कुछ नहीं। आपको मतलब मान लीजिए S1 में आपकी टिकट बुक हुई है तो आपको पठानकोट में वो जाके खाली करके आप डब्बा ही चेंज होना है आपका, मतलब S1 से S5, S6, S7 किसी में भी हो जाएगी, पर आपको उसी ट्रेन में रहना उसी समय वही सेम डेट और उसमें 10-20 रुपए का किराए का फ़र्क होएगा, पर आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। देखो ये अवेलेबल दिखा रहा है और यही हम डायरेक्ट देखते हैं तो जैसे देखते हैं हम नई दिल्ली से देखते हैं वापस से कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो दिखा रहा है कि है और हम डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं है। नई दिल्ली से सेम वही ट्रेन दिखाऊँगा। चलिए तो ये है मालवा एक्सप्रेस,
देखिए वेटिंग दिखा रहा है 19, और हमने जो ट्रिक करी उससे आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। और ये जो एक अकेला बंदा ट्रैवल करता है उसके लिए तो बेस्ट हम बेस्ट है, और जो तीन चार भी जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, बस आपको डब्बा ही चेंज करना और कुछ नहीं। ये थी वो ट्रिक जिससे आप अपनी वेटिंग टिकट भी कंफर्म में ले सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल है। और जो पहली वाली ट्रिक है वो भी यूज़फुल है, तो आप दोनों लगा के अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट जाना ही है और आप तत्काल में भी नहीं ले पा रहे हैं तो टिकट, आप ये भी लगा के ट्रिक उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और ये मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, और ये ट्रिक को देख के आप अपनी यही थी वो छोटी सी ट्रिक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करते हुए तो ज़रूर जाना। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं दोबारा से कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।